तो यारो क्या हाल चाल है, आप देख रहे हो केटी मूवीज वर्ल्ड और मैं हूँ आपका नेटर्स मार्टिनसन। तो गाइस बहुत सारे जॉनर्स को कवर करने के बाद आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 5 नेटफ्लिक्स मूवीज। इस लिस्ट में शामिल है कॉमेडी, एक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज। ये सारी मूवीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी और अगर हम एक फिल्म को हटा दे तो 4 मूवीज आपको हिंदी में भी देखने मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना किसी स्पॉयलर्स के। सो गाइस लिस्ट की पहली मूवी का नाम है बैड ट्रिप। यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। ये कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 out of 10। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है दो बेस्ट फ्रेंड्स की, एक का नाम है क्रिस कैरी, एक का नाम है बड मेलोन। दोनों एक लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हैं मगर उनके पास कार नहीं है जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते। मगर सीन ये होता है कि टरीना मेलोन के पास कार है जो कि बड मेलोन की बहन है। तो क्रिस कहता है बड को कि तुम्हारी बहन की कार को चोरी करते हैं और हम निकलते हैं ट्रिप पर। तो बड मना कर देते और किसी तरह से क्रिस उसे मना लेता है और वो लोग ट्रिप पर निकल जाते हैं न्यूयॉर्क। और हमें पता चलता है कि टरीना मेलोन जो कि बहन है बड मेलोन की, उसे पता चल जाता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और बड और क्रिस ने उस कार को चुराई है। तो वो उनके पीछे चली जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। इस लॉन्ग ट्रिप में आपको बहुत सारे कॉमेडी सीन्स देखने मिलेंगे और कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जिसे देखने के बाद आपके पेट में दर्द हो जाएगा हंस हंस के। बहुत बेहतरीन कॉमेडी मूवी है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स पर आपको देखने मिल जाए। तो दोस्तों लिस्ट की सेकंड मूवी का नाम है एनोला होम्स। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक मिस्ट्री एडवेंचर मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 out of 10। मूवी में हमें स्टोरी दिखाई है शेरलॉक होम की बहन एनोला होम्स की जो कि अपनी मदर को सर्च करने में लगी हुई है क्योंकि उसकी मदर उसे एक दिन छोड़कर चली गई है और एनोला उन्हें ढूंढने निकल जाती है। बहुत सारे खतरे उसके ऊपर आते हैं, क्या वो स्मार्टली उन्हें फेस करके आगे निकल पाती है यानी ये आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। मूवी बहुत बेहतरीन है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मूवी में हमें हेनरी कैल्वी, मेली बॉबी ब्राउन और सैम क्लिफलिन 4 चांद लगाते हुए देख जाएंगे। तो गाइस हमारी इस लिस्ट की थर्ड मूवी का नाम है स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 out of 10। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन क्राइम मूवी है। अगर मैं आपको मूवी की स्टोरी ना ही बताऊं तो ठीक होगा क्योंकि मूवी बहुत एक्शन से भरी हुई है। मूवी में मार्क वॉलबर्ग और विंसेंट ड्यूक आपको देखने मिल जाएंगे। दोनों जब साथ में कॉमेडी करते तो वो सीन अलग ही लेवल का हो जाता है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है मगर ये एक मूवी जो आपको हिंदी में देखने नहीं मिलेगी क्योंकि इस मूवी को हिंदी में डब नहीं किया गया है बल्कि ये आप हिंदी सबटाइटल के साथ इंग्लिश में देख सकते हैं। गाइस लिस्ट की फोर्थ मूवी का नाम है द गिल्टी। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 out of 10। इस मूवी में आपको सिर्फ जैक जनरलहाल का फेस और उन्हें देखने मिलेगा। इस मूवी में जैक जनरलहाल ने रोल प्ले किया 911 ऑपरेटर का जो कि अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है और कॉलर की आवाज़ सुनने मिलेगी इस मूवी में आप। इसके अलावा आप मूवी में कोई भी एक्शन सीन्स वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मूवी बहुत अच्छी है क्योंकि एक्टर काफ़ी जानदार है इस मूवी का। समझ लीजिए एक्टर ही इस मूवी की जान है जो कि जैक जनरलहाल है। अगर आप क्राइम ड्रामा मूवी पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए। वाइट क्या वो एक कार है? नहीं, नहीं, ज़्यादा मत बोलो, बस हाँ या ना में जवाब दो। आई एम सॉरी, मुझे फोन रखना होगा। गाइस हमारी इस लिस्ट की फिफ्थ मूवी का नाम है 6 Underground। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 out of 10। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें स्टोरी दिखाई गई है 6 इंडिविजुअल लोगों का एक ग्रुप है जो कि अपना नाम डिलीट कर चुका है इस दुनिया से और वो फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं। और इन मूवीज कैरेक्टर्स के कोई नाम नहीं है बल्कि नंबर के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है और इन्हें गवर्नमेंट तक नहीं ढूंढ सकती। मूवी में बहुत सारे कॉमिक सीन्स के साथ साथ सारे एक्शन सीन्स, बॉम्ब ब्लास्ट सीन्स आपको देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कार रेसिंग भी देखने मिलेगा जो कि बहुत कमाल है इस मूवी का। इस मूवी में आपको रायन रेनल्ड्स और बहुत नॉन एक्टर्स देखने मिल जाएंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया माइकल बे ने। तो गुरु लोग ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि हमारी इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।